नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टुडे फार्मिंग जोन पे। दोस्तों, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी स्पेशल कृषि से संबंधित योजना लेकर आए हैं जिसके तहत सरकार किसानों को सिंचाई यंत्रों और सिंचाई के अलग अलग सिस्टम लगाने के लिए 80-90% तक सब्सिडी दे रही है। तो ये योजना कौन सी है, इसका नाम क्या है, इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए पात्रता या योग्यता क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेजों की इसमें ज़रूरत पड़ती है, कहां पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप वीडियो पूरा देखिए ताकि इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाए और फिर आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो पूरा देखिए और आपके अपने इस चैनल टुडे फार्मिंग जोन को अभी सब्सक्राइब करके ये बेल का बटन ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाए और आपको जो दूसरी और भी सरकारी योजनाएँ आने वाली हैं उनके बारे में भी समय समय पर पूरी जानकारी मिलती रहे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जिस सरकारी कृषि सिंचाई योजना के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, उस योजना का नाम है पीएम कृषि सिंचाई योजना। तो दोस्तों, इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्प्रिंकलर सिस्टम और सिंचाई के अलग अलग सिस्टम लगाने के लिए 80-90% तक सब्सिडी सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। दोस्तों, इस पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जिन सिंचाई यंत्रों पर 80-90% सब्सिडी दी जा रही है सरकार की तरफ से, उन यंत्रों में शामिल है सोलर पंप, कंट्रोलर, पाइप, केबल, सोलर पैनल, सोलर स्ट्रक्चर, रस्सा, मोटर पंप, हेड डिलीवरी, बैटरी सिस्टम, ट्रांसफार्मर। तो इस तरह के इन सभी सिंचाई यंत्रों पर 80-90% सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है और किसानों के लिए सरकार की तरफ से ये एक बहुत ही बड़ा तोहफा है जो कि सरकार किसानों को 80-90% तक जो सब्सिडी दे रही है सिंचाई यंत्रों पर और सिंचाई के अलग अलग सिस्टम जो कि ट्यूबवेल वगैरह है वो लगाने पर। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे कि आप ये योजना पा सके। तो इसके लिए 3 पात्रताएं हैं। पहला है वो किसान होना चाहिए, जो ये योजना लेना चाहता है वो किसान होना चाहिए, कृषि से संबंधित होना चाहिए। दूसरी जो पात्रता है वो है कि आवेदनकर्ता सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सरकारी समिति, इनकॉर्पोरेटेड कंपनियां और कृषि उत्पादक संगठन जो है उनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तीसरी जो पात्रता है वो है कम से कम 7 वर्षों तक लीज एग्रीमेंट के तहत एक भूमि पर वो खेती करने वाला होना चाहिए, यानी जैसे वादे पे ले लेते हैं किसी के खेत या फिर ठेके पे ले लेते हैं, तो 7 साल तक ऐसे वो कृषि करने वाला होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की या दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आधार कार्ड की फोटोकॉपी। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आपकी ज़मीन के कागज़। तीसरा आपके बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी।
चौथा आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए कहाँ पर आपको अपना आवेदन अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए आपके अपने ज़िले का जो कृषि विभाग कार्यालय है वहाँ पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, या फिर सीधे योजना की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये आप जो CSC सेंटर होते हैं हर एक गांव में, अब तो CSC सेंटर खुल गए हैं, वहाँ पर जाकर आप इनकी वेबसाइट पर ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी जो वेबसाइट है वो आप सामने देख रहे हैं, वो है pmksy.go.in। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर इस योजना के बारे में और भी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और वहाँ पर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही और भी नई नई सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए आप अभी हमारे इस चैनल टुडे फार्मिंग जोन को सब्सक्राइब करके ये बेल का बटन ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाए और आप उनसे जानकारी लेकर अपने कृषि और पशुपालन को और ज़्यादा बढ़ा सके। तो जो भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहे सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले तो एक ज़रूरी सूचना आप सबके लिए, अगर आपके पास अच्छी नस्ल के अच्छी क्वालिटी के पशु हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, उनके बच्चे हो, बुल हो या भैंसे हो या भेड़ बकरी जो भी हो, अगर आपके पास अच्छी नस्ल के पशु हैं और आप चाहते हैं कि आपके पशुओं के बारे में पूरी दुनिया जाने, तो आप अपने पशुओं की वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए, हम उनकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, जिससे आपके पशुओं की वैल्यू बढ़ेगी, उनकी कीमत बढ़ेगी और आपका भी नाम होगा। और ये बिल्कुल फ्री है, एक पैसा भी इसके लिए आपको देना नहीं होगा, बस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो सोच क्या रहे हैं, ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला। फ़ोन उठाइए, अपने पशुओं की वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए। जो नंबर आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी पर वीडियो भेजनी है।